ये चाहता हूँ मैं अब सौ दिल की आरजू से, रखियो नजीर को तुम दो जग को आबरू से। साल था 1740 जब पुरानी दिल्ली में मियां नजीर अकबराबादी का जन्म हुआ था, मगर जल्द वो आगरा आ गए। नजीर की मजार पर हर साल बसंत मेला लगता है, जिसमें हर धर्म के लोग जुटते हैं और नजीर को याद कर उनकी नज़में पढ़ते हैं। उसी क्रम में रविवार को बसंत उत्सव का मेला लगने वाला है, मगर नगर निगम और जिला प्रशासन को इसकी कोई खैर खबर नहीं। काम 15 दिन पहले शुरू हो जाया करते थे यहाँ पर, और काफी मरम्मत और काफी काम हुआ करता था। यहाँ हमारे पड़ोस के कुकू भाई करके हैं, उन्होंने भी अगली साल इसमें बड़ी भूमिका दी, बड़े काम किए, अपने निजी पैसे से उन्होंने इसको ठीक कराया। आज उनकी मजार पर यहाँ बच्चे कंचे खेलते हैं, तो वहीं बकरियां और छुट्टे जानवर चहलकदमी करते हुए दिख जाते हैं। आगरा के ताजगंज की मलको गली में बनी नजीर की मजार को देख बस टीस ही उठती है। कमेटी वाले 100-105 चंदा करके करा लो अपने पास से। जब हम गरीब, जब मुझे ऐसा गरीब आदमी नाली बैठ के काम करा के इसके अंदर 18-19 हज़ार रुपये लगा सकता है 3 साल पहले, तो क्या अब नहीं? मैं हर साल कराता रहा, इस साल रंग रोगन यूँ निकला कि भाई मैंने कमाई नहीं है, पैसे नहीं है। मोहम्मद असलम बताते हैं कि हम बचपन से इस मजार को देखते आ रहे हैं। विदेशों से लोग पूछ कर मलको गली में मियां नजीर अकबराबादी की मजार देखने आते थे। उसके लोग भी देखे हैं, आते हुए पूरे पूरे ग्रुप आते हैं यहाँ पर कभी कभी, और वो कहते हैं क्या नाम है कि नजीर साहब का मजार कहाँ है। और उनका एक पार्ट हमने सुना था, वकील साहब बताया करते थे मिर्जा शहीम बेग, कि इनका पार्ट जो है ना रूस में भी पढ़ाया जाता है। हमने बज़्म नज़ीर संस्था के अध्यक्ष पीरज़ादा उमर तैमूरी से भी बात की। वहाँ के लोग नहीं चाहते कि ये नज़ीर का मेला हो या ये कार्यक्रम या चले। नज़ीर सर्वधर्म कवि है और एक ऐसा कवि है कि जिसकी मिसाल इंडिया में तो क्या दुनिया भर में नहीं है। उसके निशान को तो एक तरह से वो साहित्यिक ताजमहल है नज़ीर का मजार जो, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी मान सम्मान का जो है वो बनी रहे। वहाँ के लोग चाहते हैं कि ये मजार ही ना रहे। नजीर की मजार को ग्वालियर में बनाई गई तानसेन की मजार की तरह बनाने का वादा किया गया था, लेकिन वादे तो वादे होते हैं, उन पर एतबार कैसा। एक शायर की रूह आज भी अपनी खूबसूरत मजार के लिए